अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह से इस बात की नॉलेज है कि हम डायमेंशन एनालिसिस के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और हमने अपनी लास्ट क्लास में फिज़िकल क्वांटिटी यानी लास्ट लेक्चर में फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना सीख ली थी। कुछ होमवर्क्स भी आपको दिए थे और कुछ हमने उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बताई थी। और मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बता दी थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायमेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिज़िकल इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शंस प्रूव करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डायमेंशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशन का टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आप देखेंगे तो कंजेक्टिवली आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन आता हुआ। तो सबसे ज़्यादा डायमेंशन एनालिसिस के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन कभी कभार बनता है, लेकिन इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शन ये वो टॉपिक है डायमेंशन का, ये वो क्वेश्चन है डायमेंशंस का जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। और स्टूडेंट आई एम श्योर कि आप देखिएगा, चूँकि आपने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करना सीख ली है, तो अभी आप जब आप इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शन करेंगे तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। क्योंकि जब एक स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना सीख लेता है तो फिर उसको डायमेंशन करेक्शन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं, बस उनकी डायमेंशन रख करके उसकी बोथ साइड्स को आपने बैलेंस करना होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। आज की क्लास में देखें क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता लिखा हुआ, शो दैट दी फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और आपने उसकी डायमेंशनल करेक्शन प्रूव करनी होगी। तो इक्वेशन जैसे लिखते हैं आज की क्लास में, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही राइट डाउन कर लेते हैं बेटा। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। आई होप स्टूडेंट एवरीबडी नोज दैट इस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप मैट्रिक क्लासेस में, तो तमाम स्टूडेंट्स को ही पता होता है इस फॉर्मूले का, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसकी डायमेंशन करेक्शन करनी है, इस तरह से हम इस सॉल्यूशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम अपनी डायमेंशन करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इक्वेशन को एक दफ़ा राइट डाउन कर लिया जाए, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वेरी सिंपल, आप जानते हैं ये बात, वी एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर देंगे, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी डायमेंशन आप लोगों को याद करवाई गई है। तो आई होप कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप यहाँ क्लास में बैठे होते स्टूडेंट्स तो मैं पूछता तो हर किसी की ज़बान पर ये डायमेंशन इक्वेशन होती वेलोसिटी की, एल टी इनवर्स। अब इक्वल के साइन के बाद अब आप आ जाएं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर और देखें यहाँ पर भी वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं बेटा क्या हो जाएगी, एल टी इनवर्स। उसके बाद प्लस एक्सेलरेशन और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, एल टी इनवर्स स्क्वायर। एल टी मैंने आपसे कहा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायमेंशन याद कर लें अपने पहले लेक्चर में, तो अब तो देख लें आप कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, कितना काम आसान हो जाएगा। और फिर टाइम की डायमेंशनल इक्वेशन टी आ जाएगी। अब ज़रा इसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये एल टी इनवर्स ऐसे ही लिख लें, यहाँ से भी आप एल टी इनवर्स ऐसे ही लिख लें। अब देखें यहाँ पे प्लस एल और यहाँ पे टाइम की जो डायमेंशन है उसमें पावर, देखें यहाँ पावर माइनस टू और यहाँ पावर क्या है बेटा प्लस वन, माइनस टू और प्लस वन को सॉल्व करें ये क्या होगा बेटा माइनस वन होगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में याद रखें हम डायमेंशंस को ऐड नहीं करते, ठीक है, तो कोशिश ये कर लें ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर डायमेंशंस होती हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा जो आसान प्रोसेस है वो कॉमन ले लेने का है। हम यहाँ से डायमेंशन को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो डायमेंशन जब आप कॉमन लोगे हैं एल टी इनवर्स और एल टी इनवर्स, ये देखें बेटा एल टी इनवर्स और एल टी इनवर्स को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आप जानते ही होंगे बेटा कि यहाँ पर आप पूरी क्वांटिटी कॉमन ले चुके हो तो वन पुट अप कर लोगे,
और यहाँ से भी पूरी क्वांटिटी आप कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पर भी वन पुटअप कर लोगे। अब एलटी इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब वन प्लस वन करोगे ये टू आएगा बेटा, और टू एक फिक्स नंबर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में बात हो चुकी है कि इनकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, एलटी इनवर्स लेंगे, नंबर को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था जो फिक्स नंबर्स वगैरह होते हैं, ये जो फिक्स कॉन्स्टेंट्स होती हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इनकी डायमेंशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बेटा एलटी इनवर्स और एलटी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही एक जैसी ही आपको डायमेंशन मिल रही है, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने की वजह से ये डायमेंशनली करेक्ट हो गई इक्वेशन। तो आप इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, इस तरह का सेंटेंस आप लिख सकते हैं एंड में, और हेंस प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है भाई। एक बात और, यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इस तरह से लिख लें ताकि जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो मुकम्मल हो जाए, एंड में ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा दें। तो ये आपने एक इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर दिया। इसी तरह से हम अब दूसरी इक्वेशन पर आएंगे, यानी इक्वेशन जितनी भी हैं फिजिक्स में आपके पास, आप तमाम इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शन कर सकते हैं, आप तमाम इक्वेशंस को डायमेंशनली प्रूव कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखें बेटा, अब हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगी स्टूडेंट्स, क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली है। अब इसकी डायमेंशन करेक्शन करनी है बेटा, तो माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने इससे पहले देखा। आप दोबारा से इक्वेशन को इस तरह से राइट डाउन कर लें, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आपने इस तरह से इक्वेशंस को दोबारा से राइट डाउन कर लिया, दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी डायमेंशन करेक्शन करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो डायमेंशन में आपने पढ़ा जो हमारा लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर, उसमें आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि लेंथ की डायमेंशन क्या रखी जाती है बेटा। इस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशन डिस्टेंस या लेंथ की जगह एल रख लेते हैं। ओके, अब इक्वल्स टू वी आई, व्हाट इज वी आई, इट इज इनिशियल वेलोसिटी है ना बेटा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन रख ली जाए, क्या होगी डायमेंशन वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही बात है, एलटी इनवर्स डायमेंशन बन गई। और उसके बाद टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी हो जाएगी बेटा, प्लस वन अपॉन टू, एंड देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, सॉरी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही कहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन बिल्कुल आपने जहन में रखें, अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, ताकि आपको एक प्रॉब्लम ही ना हो डायमेंशन सॉल्व करने में। और टाइम की जगह आपने कैपिटल टी, और इक्वेशन पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ आप स्क्वायर इस तरह से पुट कर लें। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपने कोई काम ही नहीं किया, इसकी डायमेंशन ऐसी आ गई एल। ओके, ये आ गई एल। अब ये देखो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन और टी की पावर प्लस वन, तो टी की नेट पावर तो जीरो बचेगी, टी की पावर जीरो हो जाएगी, माइनस वन और प्लस वन दिस वन, टी की पावर जीरो, और इसी तरह से हाफ लेंथ ऐसे ही रख लो, और ये माइनस टू और प्लस टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये भी टी की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब टाइम की डायमेंशन नहीं बन पा रही है, पावर जीरो बन रही है, और पावर की डायमेंशन कहते हैं, तो पावर जीरो होने का मतलब इस इक्वेशन पे टाइम डिपेंडेंट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से टाइम को हटा दें, नहीं लिखने की ज़रूरत है, प्लस हाफ, और ये क्या हो गई बेटा, लेंथ हो गई, क्योंकि टाइम माइनस वन और प्लस वन ऐसे भी समझ सकते हैं,
ये तो मैंने ये माइनस वन प्लस वन को टी जीरो लिखा, चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं ये टी की पावर माइनस वन और टी की पावर प्लस वन कैंसिल आउट, टी की पावर माइनस टू टी की पावर प्लस टू कैंसिल आउट, तो सिर्फ लेंथ बचना चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। सर ज़्यादा बेहतर ये है कि हमने ऐसे लिख दिया टी की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, इसकी डायमेंशन अब नहीं बनेगी टाइम की। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा लेंथ ऐसे ही रहेगी, अब यहाँ से लेंथ को क्या ले लेंगे आप, कॉमन कर लें लेंथ। जब आप लेंथ कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ से आप वन और यहाँ से आप क्या लिखेंगे वन अपॉन टू, ओके। और ये एक नंबर आ रहा है फिक्स, है ना बेटा, इसकी डायमेंशन नहीं होती, आप जानते हैं ये बात अच्छी तरह से। तो आप देखें कितनी आसानी से आपने सेकेंड इक्वेशन को भी डायमेंशनली प्रूव कर दिया, दिस वन देख सकते हैं इसकी वो साइड पे भी डायमेंशंस एक जैसी आ रही हैं। तो आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है, बहुत ही आसान काम करने जा रहे हैं। और आप देखें बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर ये, और मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 लेक्चर डायमेंशंस के पढ़ने के बाद फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस खुद से सॉल्व कर लेने के बाद कोई प्रॉब्लम इसमें रहनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, एंड में याद रखना है कि ये सेंटेंस आप लाजमी लिख दें ताकि पता चले कि हम इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्शन प्रूव कर रहे हैं। जिस तरह से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्शन हो गई बेटा, अब हम थर्ड इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्शन के लिए इक्वेशन लिख लें 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर्ड माइनस बाय वी आई स्क्वायर्ड, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे आए आप ऐसे, और दोबारा से आप लिख लें इक्वेशन को 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस बाय इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। इक्वेशंस जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, आई एम श्योर कि ये वो इक्वेशंस हैं जो आपने मैट्रिक क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है 10th स्टैंडर्ड में। तो इक्वेशंस को अच्छी तरह से आप मैट्रिक में मेमोराइज कर लेते हैं, तो अभी जब मैं लिख रहा हूँ तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं हो रही होगी, इक्वेशंस तो बिल्कुल याद ही होंगी आपको। अब बेटा इसकी डायमेंशनल करेक्शन करते हैं, आपको बता चुका हूँ कि 2 नंबर है, डायमेंशन नहीं बन सकती इसकी फिक्स नंबर की, कल प्रॉपर्टी में बात आपको क्लेरिफाई कर दी गई थी। तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो आपने इसको नहीं सोचना है एक्सेलरेशन, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बात भी आप लोगों को पहले ही लेक्चर में याद करवा दी गई है। तो आप देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब उसके बाद डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगी, यानी कैपिटल एल लिख लेंगे। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बेटा, एल टी इनवर्स, ऊपर क्या लगा देंगे फॉर्मूले का, स्क्वायर माइनस फिर वेलोसिटी, डायमेंशन वंस अगेन क्या हो जाएगी बेटा, एल टी इनवर्स, और ऊपर आप फॉर्मूला स्क्वायर इस तरह पुटअप कर लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इससे ज़्यादा आसान बात क्या हो सकती है, लेंथ और लेंथ बेसिस सेम, पावर एडअप कर लें, ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ये टी इनवर्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ का होल स्क्वायर फॉर्मूला सॉल्व कर लें, लेंथ स्क्वायर और ये 1 × 2 टी की पावर माइनस टू टाइम इनवर्स स्क्वायर माइनस बाय दोबारा से लेंथ पे स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, यानी टी इनवर्स स्क्वायर बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशनल इक्वेशन है एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, वो इस तरह से आप राइट डाउन कर लें, और यहाँ से राइट हैंड साइड से आप इसको कॉमन ले लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, आपने कॉमन ले लें आप, तो आपके पास इस तरह से नंबर 1 - 1 हो जाएगा। नंबर्स जो हैं फिक्स नंबर्स जो होती हैं, कल की क्लास में बता दिया गया लेक्चर में कि वो डायमेंशनलेस होती हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायमेंशनल इक्वेशन क्या नज़र आ रही है, एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे भी आपको क्या नज़र आ रही है बेटा, एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो देखो कितनी आसानी से आपने थर्ड इक्वेशन की भी डायमेंशनल करेक्शन कर ली, और नीचे आपने इस तरह से सेंटेंस लिख देना है, हेंस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। आई होप के जितनी भी इक्वेशंस अब तक सॉल्व हुई हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी जाती है, आप भी देखेंगे कि पास पेपर अगर आपके पास है तो आप चेक कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो ये नज़र आएगी इक्वेशन डायमेंशनल करेक्शन प्रूफ करने के लिए, दिस वन
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर आप लोगों ने सही से मैट्रिक क्लासेस को पढ़ा है और याद है आपको तो इक्वेशन भी याद आ रही होगी। ये आपने पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम को फाइंड करने के लिए यूज की थी, सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम को मालूम करने के लिए। T is equals to 2 pi under root L by G। और फर्स्ट ईयर क्लासेस में आप इस इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे जब हम आगे जाएंगे चैप्टर्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, इस इक्वेशन से तारुफ आपका हो गया। अब देखें इसकी डायमेंशन करेक्शन करनी है, सॉल्यूशन पर आ जाएं, लिख लें T is equals to 2 pi under root L by G। ये आपने इक्वेशन लिख ली इस तरह से पीरियोडिक टाइम की, सिंपल पेंडुलम की। अब इसमें आपने डायमेंशनल इक्वेशंस पुट करनी है, तो ये पीरियोडिक टाइम यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम की डायमेंशन आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि टाइम की डायमेंशन क्या बनती है, कैपिटल टी 2 पाई। बार बार बताने की हमें जरूरत ही नहीं है, फिक्स नंबर्स हैं, डायमेंशन लेस होती हैं, तो आपने इनको लिखना ही नहीं है, इग्नोर करें। लेंथ की जगह क्या रख लेंगे आप, कैपिटल एल। और व्हाट इज जी, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट। अगर मेरा पिछला लेक्चर जो हमने समझ लें इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में, तो आपको याद होगा मैंने बताया था जो फिजिकल कांस्टेंट्स होती हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं, आप जानते हैं जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी फिक्स वैल्यू तो है लेकिन ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं ये डायमेंशनल होती हैं, तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसकी डायमेंशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या बनती है बेटा, एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो आप इस तरह से सेंस करके ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल टी इनवर्स स्क्वायर, जो यहां पुट कर ली हमने। ओके, अब देखो इस तरह से लेंथ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो लेफ्ट साइड पे, टाइम आपने इसी तरह से कंटिन्यू कर दिया और ऊपर आपके पास 1 लेंथ तो कैंसिल हो चुकी और नीचे क्या हो गया बेटा, टी इनवर्स स्क्वायर। ओके, और ये टी माइनस 2 ऊपर भेज दो बेटा, तो ये माइनस 2 ऊपर आगे क्या हो जाएगा बेटा, टी इस तरह से प्लस 2 हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी और आपके सामने शक्ल ऐसी बन जाएगी। फिर से देखिए आपने बोथ साइड्स पे डायमेंशनल इक्वेशन एक जैसी लाकर दिखा दी आपने, इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई थी सिंपल पेंडुलम की, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, इस तरह लिख लेना, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपके पास जो है वो सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम की इक्वेशन हो गई। तो एक बार फिर से स्टूडेंट, फिर मजीद और डायमेंशन करेक्शन इक्वेशंस की करेंगे। देखें हमने आज की क्लास में इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शन स्टार्ट की, और इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्शन स्टार्ट करते वक्त हमने सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी डायमेंशनल करेक्शन की। फर्स्ट इक्वेशन vf इक्वल्स टू vi प्लस at, वेलोसिटी एक्सलेशन टाइम, वेलोसिटी में वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन, एक्सलेशन की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन। उसके बाद आपने वेलोसिटी की डायमेंशन को कंटिन्यू किया, टाइम की डायमेंशन को माइनस टू प्लस वन सॉल्व कर लिया टी की पावर माइनस। मैंने आपसे ये कहा कि एड सब्ट्रैक्ट नहीं करें, कॉमन लें, तो आपने यहां पर एल टी इनवर्स और एल टी इनवर्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखें काम कितना आसान हो गया, ये नंबर बन गया जो डायमेंशन लेस होता है, इसको इग्नोर किया, बोथ साइड डायमेंशन एक जैसी आ गई, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से एंड में लिख भी लें, बाद अवकात जो है वो सब पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दिखाई जाती है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं है, एंड में लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, पूरे में लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब आ जाएं डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, हाफ, एक्सलेशन, टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई एल टी इनवर्स, टाइम की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, नंबर छोड़ दिया आपने, एक्सलेशन की डायमेंशनल इक्वेशन, एल टी इनवर्स स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया आपने। ओके, माइनस वन प्लस वन टी जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया या पावर जीरो हो गई, डायमेंशन जीरो हो गई। माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, डायमेंशन जीरो हो गई। ओके, डायमेंशन जीरो होने का मतलब इस इक्वेशन में इसकी डायमेंशन अब डिपेंडेंट नहीं रही। डिस्टेंस ले लिया आपने, लेंथ ले लिया हाफ एल, और यहां से लेंथ को क्या ले लिया, कॉमन, नंबर आ गया, फिर से ये डायमेंशन लेस होता है। देखें डायमेंशनल इक्वेशन प्रूव हो गई। तो ये आप इस तरह से थर्ड इक्वेशन दी आपके सामने, थर्ड इक्वेशन में हमने नंबर को इग्नोर किया, एक्सलेशन की डायमेंशन रखी, डिस्टेंस की रखी,
दोनों जगह वेलोसिटी की डायमेंशन रखी, होल स्क्वायर के साथ सॉल्व कर दिया, कॉमन ले लिया, डायमेंशनल इक्वेशन प्रूव हो गई। और इसी तरह से टाइम जो सिंपल पेंडुलम का है 2π√L/g, बहुत आसानी के साथ आपने देखें इसकी भी डायमेंशनल इक्वेशन कर दी। अब इसके बाद हम जो मजीद डायमेंशनल इक्वेशन प्रूव करेंगे वो नेक्स्ट आपके पास जो बाकी डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, जैसे 3-4 इक्वेशंस हमने लिख दी हैं, अब इसके बाद जो फर्दर और इक्वेशंस होंगी वो हम फर्दर और प्रूफ करके देंगे। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ बेटा, इसको आप पॉज करके कॉपी कर लें, अपने पास पॉज कर लें और पॉज करके ये पूरी कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम फर्दर पॉज करके कॉपी कर लें इसको, फिर फर्दर हम दूसरी इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपने वो तमाम जो इक्वेशंस हैं जिनकी डायमेंशनल करेक्शन हमने की उसको कॉपी कर लिया होगा आपने अपने नोटबुक में। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है। टी इज इक्वल्स टू 2π√M/K। ये इक्वेशन भी बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ये इक्वेशन मैं आपको याद दिलाऊं, आप लोगों ने मास स्प्रिंग सिस्टम इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा 10th में, तो स्प्रिंग की पीरियोडिक ऑसिलेशन जो होती है, इस पीरियोडिक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है। और इसमें से आप देखो ये के हुक्स कॉन्स्टेंट, हम इसकी डायमेंशन कर चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। के स्प्रिंग या हुक्स कांस्टेंट है, जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था यानी लेक्चर 9 में से पहले वाले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि हुक्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये एक फिजिकल कांस्टेंट होता है, उसकी डायमेंशन होती है 2π√M/K। वही प्रोसेस दोबारा से आपने इसको कॉपी कर लिया, और के हुक्स कांस्टेंट है और हुक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना मैंने आप लोगों को बताई थी, F=KX। यहां से आप K की अगर डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F/X। और F/X की डायमेंशन के लिए F की जगह क्या पुट अप कर लेंगे आप, MA/ क्या हो जाएगा, X। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ, और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इन अ मिनट आप इस डायमेंशन को सॉल्व करें, फिर मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं चाहूँगा कि आप उससे टैली करें, देखें आपने ठीक सारा से सॉल्व किया है नहीं। तो ड्यूरिंग लेक्चर ही मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट, जल्दी से इक्वेशन लिखें और यहाँ से के की डायमेंशन निकाल करके पुट करें और उसकी डायमेंशन सॉल्व करके देखें, आप उसकी डायमेंशन सॉल्व करके देखें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जल्दी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया था मैंने कि 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लें, तो आप ज़रा देखिएगा आपने क्या सॉल्यूशन की है। मैं ज़रा इसको करता हूँ और आप चेक करें कि आपने किस तरह के की डायमेंशन यहाँ मैं निकाल के देता हूँ, ये तो मैंने खैर निकलवाई भी थी, मास की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्स की डायमेंशन, ये कैंसिल आउट हो गया, के की डायमेंशन बन गई MT√2, टैली कीजिए, बनाई भी है या नहीं बनाई है आपने ऐसी, और फिर आगे फर्दर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टी टाइम की डायमेंशनल इक्वेशन टी आ गई, 2π डायमेंशन लेस हो गया, मास की डायमेंशन M आ गई, के की स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन MT√2 आ गई, M कैंसिल आउट कर दिया और टी की पावर -2 ऊपर भेज दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, T=T। देखो भाई ऐसी बनी आप लोगों की, चेक करो ऐसी ही बननी चाहिए थी, आई होप कि आप लोगों ने ऐसी बिल्कुल बनाई होगी, अब चेक कर लें आप लोग, तो हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इस तरह का सेंटेंस लिख लें। और उसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से पढ़ सुना होगा, इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कुछ इस तरह की बात की जाती है, टोटल एनर्जी सम ली जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन, तो इसकी डायमेंशनल करेक्शन प्रूफ करनी है बेटा। अब जरा जल्दी से कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे आ गए, इक्वेशन दोबारा लिख ली, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके
अब एनर्जी को हम वर्क डन की इक्वल ले लेते हैं, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ डॉट डी के। तो एनर्जी की जगह वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर्ड, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, जबकि वर्क डन की जगह एफ डी हाफ एम वी स्क्वायर और ये एम जी एच, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एम ए डी, एफ की जगह एम ए रख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। इतना आपने पहले इक्वेशन को अपने लिए आसान कर लेना है कि अब आप डायमेंशनल इक्वेशंस रख सकें डायरेक्टली। इतना आपने अपने लिए इक्वेशन को आसान कर लिया, एनर्जी इक्वेलेंट टू वर्क डन ले ली, वर्क डन को हमने एफ डी कर दिया और एफ को हमने एम ए से रिप्लेस कर दिया। अब डायमेंशन पुटअप कर लेंगे आप। इससे पहले यहाँ तक बात तो समझ में नहीं आ रही होगी एनर्जी की डायमेंशन क्या रखें, तो आसान कर लिया आपने अपने लिए। अब मास की डायमेंशन हो गई एम, एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी एल टी इनवर्स स्क्वायर, डी की क्या हो जाएगी एल, हाफ नंबर है डायमेंशन नहीं होगी, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी एल टी इनवर्स, ऊपर क्या लगा लेंगे स्क्वायर, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एल टी इनवर्स स्क्वायर, और एच की क्या हो जाएगी एल। ओके, एम ऐसे ही रह जाएगा, एल और एल बेसिस सेम पावर एडअप कर लो, एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ये एम ऐसे ही रहा, ये एल के साथ एल टी इनवर्स होल स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, और टी इनवर्स स्क्वायर टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस टू, प्लस एम ऐसे ही रहा बेटा बेसिस सेम पावर एडअप क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ऐसे ही कंटिन्यू करो। ओके, अब यहां से एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर कॉमन ले लें। ओके स्टूडेंट, कॉमन ले लिया आपने, तो यहां से भी वन और यहां भी क्या बचेगा वन, नंबर हो गया डायमेंशन लेस। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो गई एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की भी क्या हो गई एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई बेटा, बोथ साइड पर आप देख सकते हैं कि एक जैसी आपकी इक्वेशन बन रही है। जल्दी सॉल्व करने का मतलब यही कि अब आप भी इतने ही जल्दी वाले हो गए, आपको भी अब इतनी जल्दी कर लेना है ये काम, कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल प्रोसेस है ही नहीं डायमेंशन निकालने का। तो ये आपके सामने मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डायमेंशन निकाल के दी, दो इक्वेशन होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, इसकी डायमेंशन सॉल्व करके मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपने किस तरह से बनाई है। एक दे रहे हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ओके, और एक आपको मैं e इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इनकी डायमेंशनल करेक्शन प्रूफ करनी है। f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ, एनर्जी मास, व्हाट इज c, हाँ भाई c क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दो इक्वेशंस दी हैं, इसको कॉपी कर लें अपने पास नोटबुक में, और उसके बाद अभी जो है वो इन दोनों की डायमेंशनल करेक्शन प्रूफ करके दिखाएं, और मुझे जो है वो दोनों की डायमेंशनल करेक्शन की इक्वेशंस जो आप प्रूफ कर लें उसके पिक्चर्स भेज देंगे, वो मैं देख लूंगा स्टूडेंट्स के आपने किस तरह से इनकी इक्वेशन सॉल्व की हैं। तो ये बेटा आपका ओवरऑल पूरा डायमेंशंस का पार्ट कंप्लीट हो गया चैप्टर वन से। हम पहले चैप्टर वन में काफ़ी बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, यूनिट कन्वर्जेंस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल ड्राइव, मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या होती हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब बता रहा था मैं आपको। फिर हमने अपने लेक्चर 8 से जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया डायमेंशंस का, जो आज जाकर के कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डायमेंशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना, और जो इक्वेशन होती हैं उनकी डायमेंशनल करेक्शन प्रूफ करना, ये आपको बताया गया। अब चैप्टर नंबर वन का एक टॉपिक और बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्कस होती हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, इसलिए जो है वो दो जगह एक ही चीज पढ़ाने में आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, चैप्टर 3 जो कि मोशन वन डायमेंशन का चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे। इस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को, इसका जो भी टेस्ट का
सिलसिला वगैरह होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा। आई होप आपने यहाँ तक जो चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छी तरह से आपने उसको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। और ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, ये होमवर्क लाजमी आप करके मुझे इसके पिक्चर्स भेज देंगे ताकि मैं देख लूँ कि आपने कितना बेहतर इसको समझा। और पूरी डायमेंशन की एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, हर किसी को एक दफ़ा खुद से आपने बनाना है। वैसे मैं साथ साथ होमवर्क देता भी रहा था, मैं साथ साथ अपने साथ रखने के लिए आपको, कि आपको बिल्कुल ऐसा ना हो कि सिर्फ वीडियो की हद तक ही, लेक्चर की हद तक ही रह जाए बात, आप भी इन्वॉल्व रहें, मैंने पूरी कोशिश की है। तो आई होप कि बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।